कि आपने लास्ट टाइम बताया था जी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मैं बात करूंगी, तो प्रियंका गांधी पर तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि फोन जो है ब्लॉक किया गया, नहीं और वो राहुल उनका गांधी से उनका कैसे? फोन नहीं है, क्योंकि मैं इस पे संक्षिप्त टिप्पणी नहीं दे सकती, बट मुझे 110% पता है कि उनका फोन ही उनके पीए के हाथ में है। इस वजह से कि दीदी को ये बात पता ना चल जाए, राहुल गांधी जी को ये बात पता ना चल जाए, तो वो जो भी मेरे रास्ते में मैं मिलने की कोशिश करती हूँ वो उसी दीवार को हटा देता है। तो ये चीज़ें हैं मैम, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू जो है जी काफी सोशल मीडिया पे काफी सभी लोग देख रहे हैं, तो वो जी लोग भी तो देखते होंगे कहीं ना कहीं, फिर भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं ना कर पाना, इसके पीछे क्या रीजन मानते हो? कहीं ना मुझे कहीं वो भी नहीं चाहते हैं, ये सिनारियो दिख रहा है, दिख क्या रहा मैं है? बता रही हूँ आपको क्या हुआ है। मैं ये तो अपने वकील को भी दूंगी और जज को भी दूंगी। इन लोगों ने एक कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं, जिसे मैंने बोला हुआ है कि जो कांग्रेस का सिस्टम खराब कर रहे हैं, उन लोगों ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाला है जिसमें ये बोला गया है कि अर्चना को ऐसा बोलो, आप ऐसा ऐसा बोलो अर्चना के लिए, हम लोगों ने इतना किया है और ये ऐसा कर रहे हैं। मतलब लोगों से जबरदस्ती फोन करा रहे हैं और गलत गलत लिखने के लिए बोला जा रहा है, इसके भी सारे सबूत मेरे पास है। तो मे भी ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को मेरे बारे में गलत बोला गया हो संदीप सिंह के माध्यम से, जिसकी वजह से वो शायद उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसीलिए मैंने लीगल टीम का सहारा लिया, इसीलिए मैंने कागजातों का सहारा लिया कि उन लोगों को पता चले कि जिस दलित लड़की के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उनको आगे तक लेके जा रहे हैं, आपके ही सिस्टम में जो बैठे इंसान हैं संदीप सिंह जैसे लोग, वो ही देख दलित लड़की के साथ ऐसा करते हैं, मारपीट करते हैं और